कहना चाहूंगा और अब जो मैच जारी रहेगा तमाम दर्शकों में बताना चाहूंगा, आलो के डालो बनाम लिटिल स्टार बड़ानंदा। फिलहाल आलो के डालो के पैरों में बहुत, पिछले मैच में उनकी टीम 2 गोल से जीत दर्ज की थी और बड़ानंदा की अगर बात की जाए पिछले मैच में उन्होंने एक शानदार मुकाबला खेला था, वो भी जो कि जी स्टार गिति लोर के खिलाफ, उनको परास्त करके सेकेंड राउंड में अपना जगह बनाई हुई है। तो कहने की थर्ड राउंड 3 क्वार्टर फाइनल में अपना जगह, अंतिम 3 में जगह बनाने के लिए आप एक अच्छा मैच खेलना होगा, एक अच्छी टीम वर्क करना होगा दोनों ही दल के टीम खिलाड़ी को। तो अगला मैच खेलने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप तैयार रहेंगे, इस मैच के बाद अगला एक बड़ा मैच किया जाएगा जो कि गैलेक्सी ब्यूटी बनाम लोकेश ब्रदर। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के बाद अगला जो मैच किया जाएगा एक बड़ा मैच रहेगा, लोकेश ब्रदर का आमना सामना करेगी गैलेक्सी ब्यूटी। दोनों दल के टीम कप्तान टीम मैनेजर से मैं निवेदन करना चाहूंगा ये मैच समाप्त होने से पहले अपने खिलाड़ियों को पोर्ट ऑफिसल में लाना कर दें और यह मैच जी हाँ जैसे समाप्त होती है वैसे ही मैदान में प्रस्तुत होता है। तो मैं रामलाल जी के साथ जुड़ना चाहूंगा, रामलाल जी आप क्या बयान करना चाहेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं हमारे तमाम दर्शकों की जो तादाद है क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के बारे में? जी हाँ, आज फाइनल का दिन है तो तमाम दर्शक जाते ही है इसी मेगा टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए, आज इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने के लिए, वो भी अपने जरूरी काम को छोड़कर यहाँ पर टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए आए हैं। उन सभी तमाम दर्शकों को मैं रामलाल गोप साथ साथ सूरज जुड़े हुए हैं कल से सूरज ध्रुव की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जैसे जैसे समय आगे को बढ़ेगी यहाँ पर तमाम दर्शकों का और भी इजाफा होने की संभावना है। सूरज जी बिल्कुल नाम तक दर्शकों की संख्या बताया करो 5,000 है तो पूरे चेतावन दर्शक बिना लगे सारी सारी कजू गए और पार्टी भाग्या तुम थे कोटी रे पार्टी भाग्या तुम थे कुछ बिटा के नाम ताला वाला बीच रे देगा एम लगे इस तो कर अब हो जीवन रे देगा तो देखेगा अब निमित्त जो ने बने रहता ना अब ताला वाला बीच रे आयोजक समिति कुटिंग का गोरा ताला वाला बीच रे इस जबरदस्त इनक चलावा के मंच ते लेगा कुटी पा रहे हेंदे झुका झुका पूरी और झुका झुका जेगा जर्सी रे टीम को बनाने को तरह टीम को तुम बयाना लिटिल स्टार बड़ानंदा शासन शासन जर्सी ने जो टीम को बनाने को तना एक टीम का रतन दबाना आलोक एंड आलोक निमित्त आलोक एंड आलोक तार बोल रहे हैं जिले ने कल से पेट आई जुड़ी कप्तान नीरज गोपल की बोल की बरातना और कप्तान इस शानदार तरीके से 8 नंबर के जिले ने कल से पेट मैं तो इनाम से बड़ा नंबर है हुड़ी ने कल से पेट जश्न नंबर 10 सब सुसुन तेरी लिखा मेडो खिलाड़ी की चकड़ा कटी है और उसे बोल बड़ा लगे मैं गलत पास बहरा मैंने भरपूर पाता की रेडी अंडो से 12 नंबर सब वो इनके की रचना का नाम रामलाल जी वो आया हेयर स्टाइलिंग लाजवाब मिला। और जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खेल दिखा रहे आलोक एंड आलोक। इससे पहले देखा जाए तो आलोक एंड आलोक की टीम 5 मिनट में 2 गोल अर्जित करने में कामयाब रहा था उस मैच में आलोक एंड आलोक की टीम, लेकिन वो चीज को यहाँ पर जरूर दोहराना चाहिए टीम जिसके लिए वो जानी जाती है केवल 5 मिनट में जो 2 गोल वो भी पहले हाफ में यहाँ पर अर्जित किया था और उनके ऑपरेटिव टीम को कहने के बैकफुट पर ढकल दी थी सोचने पर मजबूर कर दिया था, वो चीज यहाँ पर जरूर उस चीज को यहाँ पर दोहराएगी टीम। बाएं छोर तरफ से फिर से 6 नंबर के लिए आता हुआ मौका 6 नंबर के द्वारा 10 नंबर के लिए बोल को बढ़ा दिया 10 नंबर द्वारा और क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर कुर्मली सर काफी अच्छी जो मेन मैदान यहाँ पर उनके थोड़ा सपोर्ट करी है मेन टू मेन मार्किंग खेलने के लिए मैदान बिल्कुल भी सपा पीच यहाँ पर काफी बेहतरीन। बिल्कुल मैं तो यही कहना चाहूंगा मैदान के बारे में जितनी भी प्रशंसा जितनी भी तारीफ किया जाए हमारे पास सब कम पड़ जाएंगे और इस तरह के मैदान को डोनेट करने के लिए काफी कम इंसान आगे आते हैं रामलाल जी। इस आयोजक समिति कुटिंगता को मैदान जो प्रधान किए हैं कुटिंगता के निवास से श्री हरिश्चंद्र तिरिया जी जो कि इस भूमि दाता को उनके जलवाजी नहीं इस मैदान के मैदान प्रभारी जो कि फिलहाल हमारे मंच पर आराम से इजी साफ भाव से बैठ कर खेल का आनंद ले रहे हैं। पुनः एक बार हमारे कमेंट्री टीम की ओर से एंड आयोजक समिति कुटुंबता की ओर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। जी हाँ, हरीश जी के लिए जितने भी तारीफ कर जाए उतने ही कम शब्द पड़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप जिक्र करते हैं आज का डेट में कोई भी यहाँ पर डोनेट नहीं करते लेकिन उन्होंने जो डोनेट किया है अपने क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज इसी भूमिदाता श्री हरीश जी को। और बिल्कुल मैं कुछ ऐसे शख्सों का नाम लेना चाहूंगा जो कि इस टूर्नामेंट को
सफल बनाने के लिए उनकी भी अहम भूमिका रही है। रामलाल सर, पहले भी हमने बातें पहुंचाया है लोगों तक, लेकिन बराबर मैं कहना चाहूंगा जो कि 2 दिवसीय समीर यानी स्वर्ग समीर तिरिया मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि आयोजक समिति फुटिंगता की ओर से जो इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने के लिए, जी हाँ, इस टूर्नामेंट को और भी हौसला अफजाई करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, इनका नाम पूरी तरह से गिनीज बुक में रिकॉर्ड करने के लिए, जिन शख्सों ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है उनका नाम मैं काफी शिद्दत के साथ लेना चाहूंगा। जी हाँ, स्पॉन्सर भाई के तौर पर हमारे लिस्ट पे उनका नाम इस प्रकार है, टाटा स्टील नॉर्मंडी। जी हाँ, टाटा स्टील नॉर्मंडी कोटगर पंचायत के मुखिया श्रीमती जसमती तिरियाजी मंगल डी कुटिंगता, अंकुर महिला समिति कुटिंगता, मंगल राजन कुटिंगता, मंगल यानी मनीष टेंट कोटगर और जर्मन कैरम जो कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने प्राइज डोनेट किया है। आप देख सकते हैं हमारे मंच के आगे चमचमाती हुई नई बाइसाइकिल। और पूरी तरह से मैं बता दूं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए और एक कमेटी ने सहयोग प्रदान किया है, आयोजक भाई के पोडी टी कोटगर, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड उन्होंने डोनेट किया जो कि हमारे मंच के समीप एक बाइसाइकिल मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर। और मिस्टर घासीराम और हरिचरण पूर्ति डॉक्टर जो कि ये बहुत ही जरूरी है खेल के दरमियान जब भी खिलाड़ी घायल होते हैं, इंजुरी होते हैं तो उनका मेडिकल जांच करने के लिए हरिचरण पूर्ति जी भी हमारे फोर्थ ऑफिसर पर तैनात है। और मैं बताना चाहूंगा रवि चांपिया डीबीसी इलेक्ट्रीशियन भरपूरा से बिलोंग करते हैं क्योंकि उन्होंने भी इस टूर्नामेंट को बनाए रहने के लिए उन्होंने भी काफी अच्छा उन्होंने समर्थन दिया है। और इन शख्सों को मैं हमारे टीम हमारे कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई और दिल से जी हाँ हृदय से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रामलाल सर, और एक बेहतरीन मैच चलता हुआ यहाँ पर देखा जाए तो पहले ही आप यहाँ पर आलोक आलोक की टीम कुछ दबाव बनाता हुआ लेकिन अभी भी सफलता उनके कदमों से काफी दूर नजर आता हुआ, लेकिन देखते हैं उनके जो इरादा है गोल करने की कब तक रोक के रख पाते हैं अपने टीम बड़ानंदा की आलोक एन आलोक के लिए। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था आलोक एन आलोक की टीम ऐसा टीम रहा जो 5 मिनट में पहले हाफ में 2 गोल अर्जित किए थे, इससे पहले यानी फर्स्ट राउंड में इस इतिहास को यहाँ पर दोहराना चाहेगी टीम आलोक एन आलोक की टीम। और थोड़ी सी यहाँ पर बड़ानंदा की टीम को मैं जिक्र करना चाहूँगा, केवल 7 खिलाड़ी जो मैदान में प्रस्तुत हुए थे और कम खिलाड़ी वहाँ पर गोल करने में कामयाब रहा था। और इसी के साथ सर्जरी पर फारम खेल का दिन है तो काफी हर्षोल्लास के साथ हमारे महिला वर्ग के दर्शक भी आए हैं तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? जी हाँ सूरज जी, जरूर आपकी बात से सहमत हूँ मैं। सबसे पहले तो तमाम माता व बहनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज इस कुटिंगता के मैदान में। और सूरज जी, जैसे कि पहले देखा जाता है कि पुरुष दर्शक ही केवल फुटबॉल का आनंद ले रहे थे लेकिन आजकल महिलाओं के प्रति भी फुटबॉल का क्रेज बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं उन्हें वो भी फुटबॉल का आनंद लेना चाह रहे हैं तो उन्हें भरसक मौका देना चाहिए। और साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा तमाम कमेटी के वॉलंटियर से जब भी कोई महिला दर्शक आते हैं तो उन्हें सम्मानित पूर्वक स्थान दें और बिल्कुल भी सुरक्षा के साथ ही से टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए उन्हें मजा लें। और अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है, रामलाल जी मैं दोहराना चाहूंगा, इससे पहले मैच जो हमारे बीच में रही थी एक शानदार मुकाबला केजीएफ 11 नॉर्मंडी बनाम सरांडा स्टार के बीच में बड़े मैदान में हम सभी ने देखा दोनों दल के खिलाड़ियों द्वारा बराबरी पर रही और अंत समय में उनका फैसला दी पेनल्टी मार्क जो कि पेनल्टी शूट आउट के जरिए किया गया। और पेनल्टी शूट आउट में से हमें सूचना प्राप्त हुई है कि केजीएफ 11 नॉर्मंडी थर्ड राउंड पर अपना जगह बना चुकी है और सरांडा स्टार इस टूर्नामेंट से विदा ले चुकी है। हालांकि मैं दोनों दल के खिलाड़ियों को आयोजक समिति कुटिंगता की ओर से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और रिपोर्ट देने के लिए मैं हमारे अजीज दोस्त मिस्टर बिलस कुजूर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हमारे कमेंट्री बॉक्स पर उन्होंने अपनी बातें पहुंचाई। रामलाल जी, और जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सूचना को प्रदान किए
लेकिन इस बीच जरूर एक बराबर पर मैच छूटने के कारण कांटे की टक्कर की स्थिति में मैच बनी हुई है और कहना यहाँ पर कठिन होगा आज कौन सा टीम यहाँ पर किस चीज को पराजित करने में कामयाब रहेगा। 9 नंबर के लिए इस समय मौका बनता हुआ बरामदा के लिए 10 नंबर के डिफेंडर का प्रत्यानाप जब तक 3 नंबर के खिलाड़ी इस बीच उनका काफी अच्छी तालमेल उनका काफी अच्छा और जो मेन टू मेन मार्किंग पास रहती है इससे तो 100% वहाँ पर सटीक बैठता हुआ उनका जो पास बिल्कुल भी रिसीव बिल्कुल वहाँ पर खराब नहीं जाया नहीं सटीक पास के बुनियाद पर अब तक टीम को यहाँ पर रोक रखी है अपने टीम बड़ानंदा को। बिल्कुल सर मैं आपकी बातों को बात देना चाहूंगा लेकिन लाजवाब स्वाद गोलकीपर बॉल को पकड़ने से पहले यहाँ पर आलोक एंड आलोक के खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार तरीके से स्ट्राइक लेना चाहा लेकिन इस बीच बॉल गई था लॉन्ग पास फ्रेम का बॉल आलोक एंड आलोक के लिए अभी भी खतरा मंडरा रही है दोनों ही दल के लिए। जैसे कहते हैं खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है और जो जीता वही सिकंदर जो हारा जेल के अंदर बाकी बात की जाए तो जो जीता वही सिकंदर जो हारा घर के अंदर लेकिन इस बार बॉल जाएगी दर्शक दीर्घा में आप अपने टीमों को तार करके फोटो पेशल में लाने कर दें और जो कि मैं बताना चाहूंगा और गैलेक्सी ब्यूटी गैलेक्सी ब्यूटी की टीम कप्तान मिस्टर अनूप गोप जी आपसे भी अनुरोध है कि आप भी जल्द से जल्द अपने टीमों को तैयार कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं रामलाल जी पीला कार्ड दिखाने का कारण क्या है क्योंकि खेल के दौरान जब डिफेंडर जानबूझकर अगर बॉल को रोकते हैं अपने हाथों से दर्शक भी काफी साफ भाव से खेल का आनंद ले रहे धन्यवाद के पात्र है हमारे तमाम दर्शकगण। जो कि मैं बताते चलूं जैसे ऋषि मुनि अपने जब्त में लीन हो जाते हैं जैसे हम अपने रातों की ख्वाबों में जैसे सपने में खो जाते हैं रामलाल जी उसी प्रकार हमारे तमाम दौड़ जी के साथ जवाब गोल हमें देखने को मिला है 3 निम के 4-4 डिफेंडर को बीट किया गोलकीपर को भी चकमा दिया और अपने टीम के लिए पहला गोल लिटिल स्टार परानंदा और यहाँ पर थोड़ी सी गोलकीपर की तरह चूक और वहां पर नियंत्रण खो बैठे अपना आपा खो बैठे वहां पर असंतुलित हो गए जिनके कारण वहां पर ग्लोब्स को छूती हुई बॉल दूसरी जगह चली गई या दूसरे किनारे पर उनके सपोर्टर के तौर पर खड़े थे खिलाड़ी लिटिल स्टार परानंदा के और जिन्होंने उस मौका को जाया नहीं दिया बिल्कुल भी थोड़ी सी पुश करने के बाद उस गोल के माध्यम से अपनी टीम को लीड कराता हुआ लेकिन देखा जाए यहाँ पर उनके अपने टीम से जो के बड़ी उम्मीद तमाम दर्शक लगाए हुए थे आलोक एंड आलोक जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था केवल 2 मिनट में 2 गोल अर्जित किया था पहले खेल में उस चीज को शायद यहाँ पर दोहरा पाएगी कि नहीं उनकी इस खेल की शैली में एक जरूर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ। बिल्कुल सर और इस बीच थोड़ी सी रोकते कल पीछे से और इसका भरपूर पादा लेते हुए परानंदा के डिफेंडर लापासा लेकिन विपक्षी दल के खिलाड़ी ने हेडर के माध्यम से अपने साथी टीम तक पहुंचाना चाहा लेकिन पुराना परानंदा जोशी नंबर 10 हाथों का इशारा करने के बाद जोशी नंबर 2 के लिए 2 नंबर के खिलाड़ी ने राइट विंगर के लिए दूसरी गोल की खोज में क्या गोल आएगा इस बार खिलाड़ी गोल गोल पर नहीं लेकिन खिलाड़ी गोल के अंदर जा चुके हैं इतनी रफ्तार तरीके से यहाँ पर अपने टीम के लिए बढ़त लाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है लेकिन इस बीच पुराना फाउल का संकेत और छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और जिस प्रकार से हम कल फरमा रहे थे कि जैसे हम कच्चे रास्तों से सफर करते हैं रामलाल जी हमारी बातों को गौर करें जब हम खाली पांव जैसे सफर करते हैं चलते हैं पादर तो जैसे हमें ठोकर लगती है तो इस फुटबॉल खेल में भी थोड़ी थोड़ी ठोकरें थोड़ी थोड़ी थक्का मुक्की होती रहती है क्योंकि फुटबॉल खेल ही ऐसा है। और जी हाँ यहाँ पर खेल ही ऐसी है अब जब तक धक्का मुक्की नहीं होगी खेल आगे नहीं बढ़ पाएगी लेकिन आमंत्रित करना चाहूंगा इसी खेल के बाद जो खेल रहेगा गैलेक्सी ब्यूटी बनाम लोकेश ब्रदर्स इन दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश रहेगा ये खेल धीरे धीरे समाप्ति को आगर से रहे इसीलिए इन दोनों टीमों के कप्तान से विशेष गुजारिश रहेगा वो ट्रैक लाइन पर चले आएंगे वो टीमें हैं लोकेश
प्रदर्श बनाया में गैलेक्सी ब्यूटी। और इस समय अंतिम समय में कोशिश करता हुआ बराबरी पर लाने के लिए टीम आलोक नैनालोक छह नंबर के पास इस समय मौका है, लेकिन पूरी आजादी यहाँ पर, पूरी आजादी यहाँ पर खोजने से नहीं मिलेगी आपको सूरज जी। जो भी मौका मिला है उस मौके को आपको गोल में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पर पूरी आजादी, पूरी फ्रीडम यहाँ पर चाहा, लेकिन डिफेंडर वहाँ पर तैनात है। डिफेंडर की भूमिका यही होती है कि किसी भी तरह से यहाँ पर अपने क्षेत्र स्कोर को बाहर करना है, वो इतनी आजादी नहीं देंगे। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया, यहाँ पर जिस प्रकार का स्कीम टेक्निक हमें देखने को मिला जैसे नगर पारा आलोक एंड आलोक की ओर से, यहाँ पर तीन लेवल के पांच पांच खिलाड़ियों को उन्होंने पार करना चाहा। अब समय में डिफेंडर बॉल को क्लियर किया और साथ यहाँ पर खिलाड़ी थोड़ी सी घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा रामलाल जी, जो पेनल्टी जोन होता है, जो गोल एरिया होता है, उस क्षेत्र से आपको यहाँ पर धीमी गति में लेवल की आप प्रहार करना होगा। आपके अंदर में जितना जोश है, जितना दम है, पूरी दमखम से आपको शूट करना होगा, तभी आप अपने टीम के लिए बढ़त ला सकते हैं। वो भी गोलकीपर को बीट करना होगा, उनको चकमा देने के बावजूद तभी आप अपने टीम के लिए अच्छी लीड और गोल ला सकते हैं। जी यार, आपने सही फरमाया सूरज, यहाँ पर पहले देखा जाता था कि फुटबॉल केवल ऊर्जा और एक बलवान लोग ही खेल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आजकल माइंड सेट के आधार पर भी फुटबॉल खेली जा सकती है। माइंड सेट को अपना कूल रखना होगा, कौन सा समय यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया जाए, कब गति का प्रयोग किया जाए, कब अपनी टेक्निक का प्रयोग किया जाए, ये काफी मायने रखती है। इसीलिए इस समय बहुत ही बेहतरीन बॉल के साथ छह नंबर के द्वारा जरूर यहाँ पर गोल बनाना चाहेगी टीम, लेकिन यहाँ पर पावर शॉट का इस्तेमाल जिसे कहा जाता है फुटबॉल की भाषा में, थोड़ी ऊंचाई के साथ बॉल क्रॉस लाइन से बाहर जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर लाजवाब कोशिश कर रही है टीम आलोक एंड आलोक की टीम, लेकिन अभी भी वंचित नजर आ रही है गोल करने के लिए पूरे अपने ताकत का इस्तेमाल करता हुआ, लेकिन इस समय दूसरी गोल की खोज करती हुई अपने टीम बड़ा आनंद। और रामलाल जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो कि हर मैच में मैन ऑफ द मैच का जो आप दिया जा रहा है, साथ इस मैच में कमिटी को चयन किया जा रहा है, अभी तक ऐसा स्कोर और ऐसा लाजवाब इसके लिए देखने को मिली है जरूर, लेकिन स्कोर देखने को नहीं मिली है। जो मैन ऑफ द मैच का जो हकदार रहेंगे पूरी कमेटी की ओर से निर्णय आने के बाद ये घोषणा किया जाएगा, लेकिन इस बार बराबरी की लीड को लाने के लिए पूरी तरह से प्रयास की जा रही है, जो कि आलोक एंड आलोक की ओर से। अभी भी उनके पैरों में बॉल, जश्न नंबर छह पैरों का इस्तेमाल, छोटी सी पास जश्न नंबर बारह के लिए, बारह नंबर एक खिलाड़ी को चकमा दिया, कप्तान के लिए छोड़ा गया नीरज, एक खिलाड़ी को बेट किया जश्न नंबर ग्यारह पर, बॉल उन्होंने सुटा, बहुत ही धीमी गति में उन्होंने की किया था, डिफेंडर ऐसे ही जवाब दिया, इस बार लंबा शॉट, लेकिन दर्शकों को नाराज करेंगे इस तरह के शॉट से, आप दर्शकों का दिल नहीं जीत सकते हैं रामलाल जी। जी हाँ, दर्शकों के साथ साथ अपना भी मनोबल को आप ऊपर नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं था, बिल्कुल भी फ्री स्पेस में बैक किए, पोजीशन बनाए, फिर भी ऑन टारगेट में रख नहीं पाए। तो सूरज जी क्या कहना चाहिए, पर जरूर एक अच्छा मौका यहाँ पर बन सकती थी, सेंटर के आस पास एक बेहतरीन मौका उनके लिए आई हुई थी, लेकिन इस बीच तीन नंबर के लिए सपोर्ट ढूंढता हुआ, निगाह करता हुआ कि कौन सा खिलाड़ी को यहाँ पर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, छह नंबर के लिए पर उपयुक्त रहे, लेकिन असफल रहा छह नंबर के प्लेयर। नौ नंबर के खिलाड़ी इस समय पांच छोटी तरफ से बोल को इस समय अपने साथी खिलाड़ी के देने का कोशिश करता हुआ, अपनी आंखों में यहाँ पर इशारा किया, एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद यहाँ पर सोए, काफी समय तक बोल को रखे हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर काफी लंबी दूरी से बोल को डाली गई थी अपने राइट विंगर के लिए, राइट विंगर के प्लेयर काफी आगे निकल रहे थे और बोल चली गई है।